आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन कमी के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। सेक्स रैकेट में मिली भोजपुरी की आइटम गर्ल। एमपी में कोरोना बेकाबू। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वैक्सीनेशन कमी के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य में हो रही वैक्सीनेशन की कमी को लेकर आज नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे के आदेश पर नागपुर शहर युवक कांग्रेस एवं मध्य नागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष वसीम खान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वसीम खान ने कहा कि अब तक देश में सिर्फ 6% लोगों ने ही वैक्सीनेशन का लाभ लिया है। वहीं इसराइल, जो कि वैक्सीन बनाता ही नहीं, वहां वैक्सीनेशन लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ राज्य में बिगड़ रहे हालातों का मुआयना करने के लिए एक बार भी केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री नहीं आए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों में व्यस्त है। भाजपा के लिए चुनाव जीतना और सरकार बनाना ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को आम जनता से या देश से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र की तुलना में गुजरात को और भाजपा शासित राज्यों को ज्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन दिया गया है। देश में वैक्सीन की कमी है और प्रधानमंत्री विदेशों में वैक्सीन बांट रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक बार भी महाराष्ट्र का हाल जानने का प्रयास तक नहीं किया। ऐसे गंभीर आरोप युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष वसीम खान ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। साथ ही केंद्र सरकार राज्य में हो रही वैक्सीन की कमी को दूर करे, ऐसा आह्वान भी वसीम खान ने किया है। आज जो है कांग्रेस की ओर से केंद्र की भाजपा सरकार का निषेध किया गया है, क्या पूरा मामला? आज का ये हमारा जो निषेध है, ये हमारे कांग्रेस नागपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विकास गौ ठाकरे के ने मार्गदर्शक में हुआ है और ब्लॉक कांग्रेस मध्य नागपुर 18 के ब्लॉक के नेतृत्व में हुआ है। आज का हमारा जो निषेध है, जो ये वैक्सीन की कमी है, जो कि आज हिंदुस्तान में सिर्फ 6.5% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है और जो इसराइल जो वैक्सीन नहीं बनाता है वो 100% पूरे हो गए हैं। यूएई में 87% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया और यूके में 55% लोगों को गया। और ये शर्म की बात है, हिंदुस्तान वैक्सीन बना रहा है और सिर्फ 6-6.5% वैक्सीनेशन हुआ। और आज महाराष्ट्र की हालत ये है, एक भी बार स्वास्थ्य मंत्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार आने की यहाँ वो नहीं करी है। महाराष्ट्र का क्या हाल है, क्या हो रहा है, कुछ उनको खबर नहीं है। पर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र जो है वो नंबर वन चल रहा है। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं संक्रमित लोग भी बढ़ रहे हैं, इस कारण कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आएगी। पर कल वैक्सीनेशन तो आ गई, फिर क्या कहना चाहिए? कल वैक्सीनेशन आ गई है साहब, लेकिन जब पता था दूसरा स्ट्रेन आएगा, पहले से पता था, पहले स्ट्रेन में हाल खराब था, दूसरा स्ट्रेन आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की? आज मोदी सरकार, मोदी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह आज वेस्ट बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र की हालत ख़राब है, तो महाराष्ट्र में एक भी बार स्वास्थ्य मंत्री का फेरा हुआ, एक भी बार दौरा हुआ, एक भी बार नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी ने हाल जाना, क्या महाराष्ट्र का हाल है? प्रिकॉशन हमने लिए, क्यों नहीं लिए? आज हमने लॉकडाउन, आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन किया गया है, तो उसके भी अब सब विरोध हो रहे हैं और विरोध होंगे भी, क्योंकि हालत ख़राब है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या मदद है? आज आप दूसरी कंट्री में जाओ तो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट हेल्प करती है पॉपुलेशन को। आज यहाँ आधार कार्ड जो एकदम नीचे स्थिति के लोग थे, आज उन पर हेल्प करना चाहिए था। 1-1.5 साल हो गया है, अभी ये परिस्थिति में नहीं है हिंदुस्तान या महाराष्ट्र को लॉकडाउन में। तो वैक्सीनेशन जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो इसमें पेशेंट जो पॉजिटिव वो कम आएंगे। आपको नहीं लगता क्या पार्टियों के राजनीति में कहीं ना कहीं एक लोगों का नुकसान हो रहा है? लोगों का नुकसान बहुत हो रहा है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी पार्टियों को बुलाना चाहिए, न्योता देना चाहिए, सभी स्टेट को न्योता देना चाहिए और एक स्टेट के आकर काम करना चाहिए। आज वैक्सीनेशन जो बाहर दे रहा है देश में नरेंद्र मोदी जी, जो इंडिया आज बाहर भेज रहा है, आज अपने इधर ही पूर्ति नहीं हो रही है। तो हमारी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वैक्सीन की पूर्ति पूरी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, 18 साल की उम्र वालों को भी हो। सेकंड स्ट्रेन में आप देख रहे होंगे कि पूरे जवान युवा लोगों ज़्यादा डेथ हो रही है, ठीक, और बच्चों में भी आ गया है।
तो वही दूसरी ओर सेक्स रैकेट में मिली भोजपुरी की आइटम गर्ल। पुलिस ने देह व्यापार के एक अड्डे पर छापा मारकर भोजपुरी फिल्म की एक आइटम गर्ल सहित कोलकाता की 3 युवतियों को मुक्त कराया है। पुलिस ने अड्डे के मुखिया दीपेश उर्फ गगन दिलीप भाई काना बार सतनामी नगर सेंट्रल एवेन्यू को गिरफ्तार किया है। उसका रिहान नाम साथी फरार है। बताया जाता है कि दीपेश काफी समय से देह व्यापार में लिप्त है। उसने रिहान की मदद से 3 युवतियों को कोलकाता से नागपुर बुलाया था। एक युवती पूरी फिल्म की आइटम गर्ल है। मॉडलिंग के साथ वह वेब सीरीज में भी काम कर चुकी है, जबकि अन्य दोनों इवेंट मैनेजमेंट का काम करने का बता रही है। 4 दिन पहले दीपेश ने विमान से युवतियों को नागपुर बुलाया, इसके बाद से उनसे देह व्यापार करवा रहा था। उसने अभिनेत्री और मॉडल दिलाने का झांसा दिया। इसकी क्राइम ब्रांच के SSB को भनक लग गई। उसने डमी ग्राहक दीपेश के पास भेजा। दीपेश ने आइटम गर्ल और एक अन्य युवती का 18,000 रुपए से सौदा किया। उसने गणेशपेट की कृष्णा ओयो होटल में डमी ग्राहक को बुलाया। डमी ग्राहक को इशारा करते ही पुलिस ने छापा मारकर दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी सूचना पर तीनों युवतियों को भी मुक्त करा लिया गया। तीनों युवतियों के पहले भी देह व्यापार किए जाने का संदेह है। एक युवती दूसरी मर्तबा नागपुर आई है। दीपेश पहले होटल चलाता था, बाद में इस कारोबार से जुड़ गया। उसे पहले भी 2 मर्तबा पकड़ा गया है। वह पीड़ित युवतियों को हर ग्राहकों पर 2,500 रुपए देता था। तो वही तीसरी ओर MP में कोरोना बेकाबू। मध्य प्रदेश में एक दिन में करीब 5,000 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इंदौर जबलपुर उज्जैन सहित 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। CM शिवराज सिंह चौहान को जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के उपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए बड़वानी राजगढ़ विदिशा जिला के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह इंदौर राऊ मऊ शाजापुर और उज्जैन जिले के सभी शहरों में भी 19 अप्रैल के सुबह 6 बजे लॉकडाउन रहेगा। अब आप हमारे चैनल को वेब पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNA सिंधी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।